हमने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाढ़ हमीरपुर का मार्च 2018 एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है वो घोषित किया है। ये रिजल्ट हमारा जैसे सिक्स्थ सेवन्थ और एट्थ के बच्चे हैं उनका तो ग्रेडिंग सिस्टम ही है। बच्चों को सभी बच्चों को हमने रिपोर्ट कार्ड्स वितरित किए और जो जो बच्चों के ग्रेड्स आए थे जैसे बहुत सारे बच्चों के हमारे बहुत अच्छे ग्रेड्स आए, कुछ बच्चों के ग्रेड्स जो है वो थोड़ा कम रहे तो उनको हमने ये कोशिश करेंगे हम सब मिलकर अध्यापक भी बच्चों के अभिभावक भी तो बच्चों के ग्रेड्स में आगे से जो है वो इम्प्रूवमेंट हो। नाइन्थ और प्लस वन का जो रिजल्ट है उसमें भी हमने ये कोशिश की कि जिन बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है बिल्कुल ही उन बच्चों को हमने फेल भी किया है। लगभग 85% जो है वो हमारा नाइन्थ और प्लस वन का रिजल्ट था और इस बार हमने बच्चों को नाइन्थ और प्लस वन के बच्चों को ही रिजल्ट कार्ड दिया ताकि बच्चों को हर सब्जेक्ट में अपने परफॉर्मेंस का जो है वो पता लगे और इसे आगे बस 1 अप्रैल से हम ये एडमिशन्स जो हैं वो शुरू कर रहे हैं। तो मेरे सभी से, सभी बच्चों के पेरेंट्स से, सभी लोगों से, कैलिटी से कि हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिल करवाएं। बहुत सारी स्कीमें जो हैं इन बच्चों के लिए दी जाती हैं, बहुत बहुत अच्छे टीचर्स हमारे पास आते हैं कमीशन क्वालिफाई करके। तो मैं यही गुजारिश करूँगी सभी पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में डालें। हमने बच्चों के लिए यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस भी रखी हुई हैं, ऑटोमोबाइल और हेल्थ केयर की। सिक्स सेवन्थ एट्थ का तो सभी बच्चों को पास किया जाता है जो उनका भी काफ़ी अच्छा रहा है क्योंकि ई ग्रेड में हमारे पास सिर्फ तीन तीन बच्चे उन क्लासेस में निकले हैं, बाकी काफ़ी बच्चे ए बी सी ग्रेड में आए हैं। और नाइन्थ में जो रिज़ल्ट है वो 80% डिक्लेयर हुआ है और प्लस वन का जो रिज़ल्ट है वो 90% ओवरऑल रहा है। तो उन्हीं बच्चों को डिटेन किया गया है नाइन्थ या प्लस वन में, इनको बिल्कुल भी आगे एज़ पर डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड जो है एग्ज़ाम का रिजल्ट निकालेंगे नाइन्थ और प्लस वन का। इसके अलावा अभी जो स्कूल में इंग्लिश मीडियम है हमारा सिक्स टू प्लस टू चलती हैं क्लासेस, जो कि मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी अपने अध्यापक साथियों को जिनकी कड़ी मेहनत और लगन की वजह से दोनों मीडियम जो है वो बड़ी सफलता से हम चला पा रहे हैं। और नेक्स्ट सेशन में भी मेरा अनुरोध रहेगा सभी बच्चों के अभिभावकों से, पेरेंट्स से कि वो गवर्नमेंट स्कूल से अपना फेतना उठाएँ और बहुत ही एक अच्छी फैकल्टीज़ हमारे पास पढ़ाने की हैं छठी से लेकर प्लस टू तक, तो बच्चों को ज़रूर बच्चियों को हमारे पास पढ़ने के लिए वो भेजें ताकि हमारी योग्य जो अध्यापक साथी हैं उनका जो पूरा पूरा लाभ है वो समाज को पहुंच पाए। इसके अलावा आपके माध्यम से मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगी कि प्लस वन प्लस टू में वोकेशनल जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे हेल्थ और टूरिज़्म वो पढ़ाए जाते हैं जो कि बच्चों को आगे चल के काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि इसमें जब तक बच्चा जॉब नहीं लेता है प्लस वन प्लस टू से निकलने के बाद उसको नौकरी नहीं मिल पाती है तब तक के लिए बच्चे को जो भत्ता है 1000 रुपया हर महीने में वो दिया जाता है, तो वो भी बच्चियों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अलावा स्कूल इस साल से हमारा जो है वो आदर्श विद्यालय घोषित किया गया है जिसके लिए सरकार की तरफ से स्मार्ट क्लासरूम्स बच्चों को दिए जा रहे हैं जो एक अलग से बच्चों को पढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी जो एक वातावरण पढ़ने का अच्छी फैकल्टी यहाँ पे योग्य अध्यापक साथियों की वजह से बहुत अच्छा माहौल उन्होंने बच्चों को दिया है। पिछले सेशन के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने अध्यापक साथियों का और उनको मुबारकबाद भी देती हूँ बहुत मेहनत से, कड़ी मेहनत से हर फील्ड में हर एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो बच्चों को जहाँ बच्चा फिट होता है उन्होंने पूरे मन से वहाँ तक उनको पहुँचाने की कोशिश की है। हाँ जी, एक बच्चों का इस साल से हमने सोचा है कि रुझान देखा कि बच्चे ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ नहीं आना चाह रहे हैं और मोर ओवर एक लैंग्वेज को लेके जैसे हमने देखा है कि बच्चा प्लस टू करने के बाद भी इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो इस साल से हमने बच्चों को ये अनाउंस किया है और आज बच्चों के अभिभावक भी आए थे उनके माध्यम से भी हमने ये संदेश दिया है कि अगर वो चाहें, पेरेंट्स चाहें तो 3 से 3:30 बजे तक, ज़्यादा नहीं तो आधे घंटे के लिए छठी से लेके प्लस टू तक जो भी बच्चा इस क्लास में शामिल होना चाहे
तो बच्चे को हम स्पोकन लैंग्वेज के बारे में एक एक्स्ट्रा कोचिंग देना चाहेंगे। राशि कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला की छात्रा हूँ। मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। यहाँ पर बच्चों को इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाया जाता है और यहाँ पर जो स्मार्ट क्लासेस बनी हुई हैं जो प्रोजेक्टर की सहायता से बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों की सहायता बच्चों को प्रदान की जाती है। यहाँ पर लाइब्रेरी बनी हुई है जहाँ पर जो है वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों की किताबें हैं। यहाँ पर मनोरंजक की पुस्तकें भी हैं और ज्ञानवर्धक भी जो बच्चों के ज्ञान में बढ़ोतरी करते हैं। यहाँ की टीचर जो बच्चों से काफ़ी फ्रेंडली बिहेव करते हैं जिससे बच्चे जो है वो अपनी हर प्रॉब्लम को अपने टीचरों से जो है हर शेयर कर सकते हैं। और हमारे स्कूल में जब से इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट हो गया है। वो बहुत खुश होकर पढ़ रहे हैं, बच्चों के नॉलेज में भी बढ़ोतरी हो रही है, उन्हें इंग्लिश का भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है जिससे कि यहाँ के बच्चे किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहेंगे। जैसे कहा जाता है कि यहाँ के बच्चों को जो इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जब से इंग्लिश मीडियम हमारे स्कूल में शुरू हुआ है बच्चे इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से बोल पा रहे हैं और लिख पा रहे हैं। मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला की विद्यार्थी हूँ और हमारे स्कूल में 6 to +2 तक हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में पढ़ाई करवाई जाती है। और अभी इस बात से और आई जाएगी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की, वो पेरेंट्स की अनुमति से बच्चा ज्वाइन कर सकता है फ्री में। मैं हेडमिस्ट्रेस सावित्री पब्लिक स्कूल हमीरपुर अपने स्कूल के अध्यापकों, बच्चों व अभिभावकों को उनके परीक्षा परिणाम 100% रहने के लिए बधाई देती हूँ। मुझे जिस प्रकार पिछले सेशन में सभी अभिभावकों, बच्चों और टीचर्स का सहयोग प्राप्त हुआ, ऐसा ही सहयोग मैं अगले वर्ष अगले सेशन में भी अपने अभिभावकों, बच्चों और टीचर्स से चाहती हूँ। हमारे स्कूल में न्यू एडमिशंस 2 अप्रैल से स्टार्ट हैं, तो जो भी बच्चे नए एडमिशन लेना चाहते हैं वो 2 अप्रैल to 10 अप्रैल एडमिशन ले लें और पुराने बच्चे जो हैं वो अपनी क्लासेस में अपना नेम रजिस्टर करवा लें। गुड आफ्टरनून, सावित्री पब्लिक स्कूल स्टूडेंट फ्रॉम 1st to 8th क्लासेस गॉट ए ग्रेड 150 स्टूडेंट्स, बी ग्रेड 75 स्टूडेंट्स, सी ग्रेड 60 स्टूडेंट्स। कृतिका ठाकुर फ्रॉम क्लास 9th गॉट 1st प्राइज इन ऑल इंडिया पोस्ट ऑफिस स्टैम्प पेंटिंग कंपटीशन। अमनदीप फ्रॉम क्लास 8th गॉट 1st प्राइज इन स्पेस ओलंपियाड 2nd लेवल। आर स्टूडेंट फ्रॉम 5th, 8th, 9th and 10th क्लासेस डिड नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम्स। नाउ ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स अटेंडेंस will mark through wireless RFID based system. Each and every notification related to school will be delivered through SMS. For security of students, boundary wall is there and CCTV cameras in also being installed in the school. Water purifier Aqua Guard facility will also be started from coming session. Thanks.